भीलवाड़ा जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर है एक कोरोई गांव। गांव को ज्योतिष गांव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा लगता है भृगु जी महाराज की कृपा इस गांव पर बरस रही हो। प्राचीन भृगु संहिता के गहन ज्ञान को आत्मसात कर इस गांव के युवा अपनी और अपने गांव की किस्मत बदलते नजर आ रहे हैं। यहां के युवा अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य बताते हैं। ख्याति ऐसी कि सात समुद्र पार से भी लोग यहाँ अपना भविष्य जानने आते हैं। आम आदमी से लेकर नेता और मंत्री भी धूल झांकते हैं। इसी वीआईपी मूवमेंट के कारण गांव में विकास की गंगा बहती नजर आ रही है। व्यवस्थाओं के लिए गांव जाना जाता है। ज्ञान से तकदीर बदली जा सकती है, ये कोरोई गांव के युवाओं ने साबित किया है। आपको बता दें 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच कोरोई गांव से राजनीतिक भविष्यवाणी हुई है। देखिए भृगु संहिता विशेषज्ञ ज्योतिष गोपाल व्यास ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा। विधानसभा चुनाव में अभी हम से चल रहे हैं, उसमें मेडिकल कमान नहीं सुन रही, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी को ताने लगी वसुंधरा राजे ही, मतलब बीजेपी को तार सकती है। तो मेडिकल कमान मिलती तो बीजेपी सपोर्ट में उसे सरकार बन जाती है। मेडिकल कमान नहीं मिलने से पार्टी नीचे रह जाएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे वापस और समथिंग 85 के पास सीटें आएगी, 90 या 85 और नई दिल्ली को मिला के सरकार बना लेंगे। ये कहानी सोच रहे सर, दूसरे दलों की कितनी सीटें आ सकती है, जैसे RLP है समथिंग 8-10 भाई निर्दलीय ऊपर क्या है, निर्दलीय ज्यादा जो है ना कुल मिलाकर निर्दलीय 30-40 सीटें निर्दलीय पार करेंगे। निर्दलीय सीटें रहेंगी 30 के आसपास, निर्दलीय चले जाएंगे, निर्दलीय सीटें ज्यादा रहेंगी। वसुंधरा जी और राजे जी को कमान सौंप देते स्पष्ट बहुत सी सरकार ले जाती है और राजे उस कमान एक ही वो है राजयोग है उनके, मतलब क्या वही मतलब सरकार को उबार सकते हैं बीजेपी की सरकार को। जैसे मोदी जी है केंद्र में, मोदी जी ये बीजेपी सरकार चला सकते हैं, उसी तरह से इनके हाथ में कमान होती तो पूरी सफल सरकार मिलती और बीजेपी सरकार बन जाती है। कमान नहीं होने से मामला बिगड़ जाएगा और अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और मिलकर सरकार बनाएंगे निर्दलीय को मिला करके और केंद्र में वापस बीजेपी सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कुछ समय बचेगा मोदी जी प्रसाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अभी भारतीय कहानी चलेगी, बाकी भगवान के बाकी इससे इच्छा शुरू हो। ठीक सर, आपका नाम बताओ। पंडित गोपाल व्यास कारोई, जिला बिलोड़, राजस्थान। ठीक जैसे